Hello everyone, myself Dr. Aditya Gupta. In this video, I wanted to tell you about how do you annotate first aid and how do you use a first aid for your NEET, PG and INICT preparation. I actually had made a similar video uh, months ago, so uh, you can check out that link and I'll be again explaining the point in this these videos uh, in case you did not uh, understand in the last video. So the point is that you're not preparing for the NEET, PG exam or the INICT exam. You know, you're not preparing for the day of the INICT. Let's say uh, INICT is always occurs on the uh, second Sunday of November and the first Sunday of May. So you're not preparing for the second Sunday of November. You're preparing for the 10 days or 13 days before that second Sunday of November uh, exam. And you're preparing for 5 days or 7 days before your uh, May exam.

फर्स्ट एड इज नॉट अ प्राइमरी बुक इट्स अ बुक टू बी रिवाइज रिपीटेडली बट पहली रीडिंग जब शुरू होती है तब फर्स्ट एड को एनोटेट करना है एंड सेकेंड और थर्ड रीडिंग में सिर्फ फर्स्ट एड को पढ़ना है और उसको एक बार बार रिवाइज करना है सो लेसे यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिक्स मंथस लेटर है तुम्हें फर्स्ट रीडिंग जो है तुम्हारी तीन महीने या लेसे चार महीने में कम्प्लीट होनी थ्री एंड हाफ मंथ्स में कंप्लीट होनी चाहिए ऑफ द एंटायर सिलेबस ऑफ द एंटायर सिक्सटीन सेवनटीन एटीन सब्जेक्ट जितने भी हैं यू हैव टू रिवाइज दम इन द Three, three and a half months, and let's say you, have, you are giving one month, one week to pathology. You are giving one week to microbiology. You are giving five days to physio. You are giving seven days to biochem. You are giving ten days to anatomy, and things like that. You are giving nine. Essentially, you are giving ninety days for the first revision. So uh, that is the thing. In नाइन्टी डेज़ में तुम्हें फर्स्ट एड को बिकॉज अगर तुम फर्स्ट एड शुरुआत से पढ़ना शुरू कर दोगे ना तुम्हें बोरिंग लगेगी ब्लांड लगेगी कोई कंसेप्टलेस लगेगी बिकॉज फर्स्ट एड इज जस्ट कलेक्शन ऑफ वेरी वेरी हाई हील्ड फैक्ट्स और उसको हमें और हाई हील्ड बनाना है ताकि रिवाइज एंड में कर पाओ तो ये हाई हील बनाते कैसे हैं सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल सर दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ माई फर्स्ट एड फ्रॉम इट इज़ कंपेयरिंग द टॉपिक ए एल एल एंड द टॉपिक ए एम एल हम लोग ये दो टॉपिक्स ले लेते हैं अब वैसे तो बड़े वास्ट टॉपिक्स लगते हैं एल एल एंड एम पर यहाँ पे देखो फर्स्ट एड में चार या पांच लाइनों में इन टॉपिक्स को कवर किया हुआ है जो इसके मोस्ट हाई टॉपिक पॉइंट्स हैं जिन पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं बोथ इन यू एम एंड नीट पी अब इसको और एनोटेट कैसे करें सो वट आई डिड वॉज मैंने खोली अपनी एक रिव्यू बुक मैंने खोली प्रवीण गुप्ता मैंने पिछली बार जब बनाई थी वीडियो तो मैंने देवेश दिखाई थी तो वैसे मैं प्रवीण गुप्ता का भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ सब लोग खुश रहे हैं ठीक है सो प्रवीण गुप्ता लेसे अगर आपने खोली आप प्रवीण गुप्ता में सो देर इज इन केस ऑफ एम एल दे हैव गिवन दिस टेबल विच इज एजेंशन द टेबल फ्रॉम रॉबिन्स अलॉन्ग विद डेट सम सर्टेन पॉइंट्स यू नो एंड उसे क्यू क्यू लिखा हुआ है जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं सो एंड आई सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सो आई गॉट एन आइडिया कि ओके एज फार एज ए एम एल इज कंसर्न अपार्ट फ्राम रिमेबरिंग वॉट इज गिवन इन फर्स्ट एड आई ऑल्सो हैव टू रिमेंबर द एफ ए ब्लासीफिकेशन जो फर्स्ट एड में नहीं दी है एफ ए ब्लासीफिकेशन में बार बार क्वेश्चन आते हैं तो मुझे एफ ए बी क्लासीफिकेशन पढ़ता होनी चाहिए एंड द समटाइम्स आस्क अबाउट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स सो दिस इज वॉट आई डेड मैंने साइड में ए एम एल के साइड में ये यहाँ पे एम एल है यहाँ पे साइड में मैंने वो पूरी एफ ए बी क्लासीफिकेशन लिख दी एफ ए बी क्लासिफिकेशन से एसोसिएटेड जो ट्रांसलोकेशन है वो लिख दी एंड uh, उनके जो नाम होते हैं जो शायद पूछे गए हों वो मैंने लिख दिए एंड पोअ प्रोग्नोस्टिक गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स लिख दिए सेम विद एल 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 में दे हेड रिपीटली आस्ड द प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स द गुड एंड द बैड वो मैंने यहाँ पे एक लाइन में विद इन वन लाइन गुड प्रोग्नोसिस बैड प्रोग्नोसिस करके लिख के खत्म टाटा बाय बाय सो हाउ डू योर फर्स्ट एड यू योर फर्स्ट एड विद ऑफ प्रियर क्वेश्चन प्रिवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ दट पर्टिकुलर टॉपिक फ्रामू बुक ऑफ द क्यूब एन एंड वो चीजें तुम फर्स्ट एड में डाल दो अलॉन्ग विथ सम छोटी मोटी आसपास की रिलेटेड चीज़ें सो आइडियली तो मैंने मैंने तो हमने आए टाइम पर हम, हम लोग रिव्यू बुक्स से डालते थे सो वी यूज़ देवेश मिश्रा वी यूज पैथोलॉजी के लिए सम पीपल यूज़ प्रवीण गुप्ता सो आई रियलाइज दैट मतलब मेरे को किसने बोला था हेम आर्ट के लिए प्रवीन गुप्ता इज़ द बेटर बुक एंड बाकी के लिए दवेश मिश्रा तो मैं दोनों ले ली थी सो दैट वे सो वट एवर इट इज दैट डजन रिव्यू बुक डजन मैटर वॉट यू मैट इज फ्रॉम रिव्यू बुक इट यू आर एडिंग टू द फर्स्ट एड दैन फर्स्ट एड बिकम्स की अब जब तुम सेकंड रिविजन करोगे आफ्टर थ्री मंथ्स तो सिर्फ यही पढ़नी है तब ये छह सौ पढ़ने पढ़ने हैं तुम बार बार मल्टीपल टाइम तुम जल्दी से रिवाइज कर पाओगे एंड फाइनल टेन डेज में भी डेफिनेटली फिर तुम रिवाइज कर पाओगे नाउ आई अर्लियर आई ऑल्सो यूज टू से क्यूबैंग से भी तुम डाल सकते हो बट दस अ प्रॉब्लम विद द क्यूबैंक आई नो द मोस्ट ऑफ यू विल भी फॉलोइंग पर्टिकुलर क्यूबैंक

रिव्यू बुक से डाल सकते हो क्यू बैंक से डाल सकते हो इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट पुट थिंग्स फ्रॉम द क्यू बैंक बट देंट आई थिंग यू शुड जस्ट मेक इट कम्प्लीट दट कम्प्लीट ये चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए ये चीज़ कभी कंप्लीट होगी अगर इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने डाल दिए एंड आस पास के थोड़े बहुत रिलेटेड कन्सेप्ट डाल दिए एंड फिर इसको रिवाइज करो सो आइडियल प्लान फॉर सम वन हुज़ प्रिपेयरिंग फॉर इ नवंबर आई एन आई सी टी छः महीने हैं तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास छः महीने हैं तुम्हें तीन रिविजन करनी है एक तीन महीने में रिविज़न करनी है एक डेढ़ महीने में रिविज़न करनी है एक रिविजन तुम्हें पंद्रह दिन में करनी है या दस दिन में करनी है ये तीन का तुम चार कर लो या दो कर लो बेसिकली ये करके और एक आखिरी दस दिन में रिविजन करनी है छह महीने दस दिन बाद एग्जाम है तुम्हारा एग्जाम लेसेस है चौदह नवंबर को है आज की डेट में सो यू हैवर अप्रॉक्सीमेटली सिक्स मंथ्स तो फोर अराउंड फोर थ्री थ्री एंड हाफ मंथ्स टू मंथ्स एंड एक टेन डेज रिविजन करनी है तो इस पहली रिविजन में जब एक तीन महीने में जब तुम पढ़ रहे हो दम आइडियली यू शुड रिव्यू रीड फ्रॉम रिव्यू बुक्स एंड रिव्यू बुक्स के साथ इसमें ऐड करते रहो फर्स्ट एड में चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड करते रहो आस-साल के रिलेटेड टॉपिक्स को ऐड करते रहो जब सेकेंड एंड थर्ड रिविजन करोगे ये एक महीने वाली रिविजन और ये दस दिन वाली रिविजन तब सिर्फ ये बुक उठानी है तब आराम से हो भी जाएगी क्योंकि तुमने खुद ही इनमें डाली हुई है वो चीज़ें ठीक है सो दिस इज हाउ यू शुड एनोटेट योर फर्स्ट एड ताकि फर्स्ट एड बिकम्स योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंगलीस फर्स्ट एंड सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स विच विल कॉन्स्टिट्यूट फिफ्टी परसेंट ऑफ योर पेपर एस आधा पेपर तुम छः सौ पन्नो से कर पाओगे यू विलइक कि सर हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं आते शुड यू वॉच और नॉट सो आई से दैट येस यू कैन वॉच वीडियोज़ बट बी एफिशियंट इन योर वीडियोज़ मैं अभी भी तुम्हें एडवाइस करूँगा कि अगर तुम्हें पैथोलॉजी में से किसी टॉपिक पे वीडियोज देखनी है बेटर टू अगर कंसेप्ट क्लियर करना है लेते ज्यूम तो बटर टू वॉच दट वीडियो फ्राम पथोमा इट हैज लाइक फिफ्टी आर्स की सारी विडियो वन या टू एक्स वन पॉइंट फाइव एक्सपे देखोगे तुम कर पाओगे वर्सिस uh, जो नॉर्मल एप्स uh, uh, की वीडियोज हैं वो थोड़ी लेंदनी है देर नॉट मेड फ्राम एन इंटर्न पॉइंट आई बी वेरी क्लियर अनफॉर्चुनेटली मेड फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ईयर ये उनके परस्पेक्टिव से बनाई है ये ना ही फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के परपेक्टिव से बनाई है ना ही इंटर्न के परस्पेक्टिव से बनाई है दे हाव इन मेड फ्रॉम द परपेक्टिव ऑफ हाउस थर्ड ईयर उसके पास होता है टाइम उसको सिर्फ तीन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं अपना प्रॉफ प्रॉफ पास करने के लिए वो भी चुन्नू उन्नून ऑपथोर पी एस एम चलो चुन्नू उन्नू तो नहीं है बट दे आर नॉट टफ सब्जेक्ट एम ट्राइंग टू टेल यू तो इसल वीडियोज भी अगर तुम्हें देखनी है तो पथुमा देख लो ठीक है एंड रिव्यू बुक से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्यू बैंक से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स को ऐड करके इसको कंप्लीट कर लो तो मुझे पता था कि ए में जो फर्स्ट एड में दिया है इसके अलावा मुझे एफ क्लासिफिकेशन और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स ऐड करने हैं एल एल में मुझे सिर्फ प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की तीन वर्ड्स को ये चार पांच वर्ड्स हैं तो ऐसे इनको एक्स्ट्रा याद करना इसको ऐड करना है एंड दैट्स अबाउट इट एंड दैट इज हाउ यू आनोटेट फर्स्ट एड अभी तुम्हें और भी डाउट हो रहा है कि फर्स्ट एड कैसे आनोटेड करनी है तुम्हें अपनी फर्स्ट एड आई विल पुट अपी एफ डोंट वरी सोनर लेटर आई एम गोइंट टू पुट अपी एफ आई फर्स्ट एड सो दैट इट गेट्स इट बट या मेरी को कॉपी मत करना गेट इट गेट इट दिस वे दिस नो पॉइंट इन कॉपिंग मैं एवरीबडीज इट सोन मतलब मेरे को लगा कि मेरे को एफ ए भी क्लासिफिकेशन याद नहीं रहेगी हो सकता है तो मैं लगे कि मेरे को एफ ए भी क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद है मैं क्यों रिवाइज करूं तुम कुछ और एड कर सकते हो सकता है फर्स्ट एड में एंड डिस्पाइट दिस एडिंग स्टाफ लेट मी वी वेरी क्लियर तुमने एड किया है डिस्पाइट दिस मैक्सिमम क्वेश्चन इन माई रिकॉर्ड विल बी फ्राम द एक्ल लाइन ऑफ फर्स्ट एड इट सेल्फ ये सिर्फ हम लोग अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं ठीक है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो मिस ना हो जाए एंड फर्स्ट एड ट्रे एट्टी परसेंट या सेवेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट डायरेक्टली नाइन्टी परसेंट तक लेके चली जाए स्ट्राइक रेट के मामले में ठीक है सो दैट दैट इज द रीजन हम लोग थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्राटेट कर रहे हैं सेकंड व्यू मैं बताना चाहता हूं कि मैं हजार स्टेप वन की बात कर रहा होता हूँ स्टेप टू सी के एंड स्टेप थ्री की जो फर्स्ट एड है दे आर नॉट यूजफुल आई एम क्लियरिंग इट आउट इन फ्रंट ऑफ एवरी वन बिकॉज इज अ क्वेरी दट आई कीप ऑन गेटिंग फ्रॉम एवरी वन फाइनल के लिए क्या करें आई कम टू दैट फाइनल के लिए करना कैसे है एंड क्या करना है बेज ऑन माई एक्सपीरियंस एंड ऑबियस दोज विल माई ओपिनियस तुम यू कैन अग्री टू डिस अग्र दट्स नॉट एंड इशू एट ऑल अदरथिंग आई वॉन्ट टू टेल यू की फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट हुर वॉचिंग दिस आई विल से फर्स्ट एड इज इज नॉट द टाइम टू री डू फर्स्ट एड यू शूड नो अबाउट फर्स्ट एड की हाँ यू शूड नो की हाउ टू एनोटेट फर्स्ट एड की हाँ तुम जब थर्ड या फोर्थ ईयर में आ रहे हो तब तुम फर्स्ट एंड सेकंड ईयर को रिवाइज कर रहे हो फ्राम योर वीडियोज एंड एवरीथिंग तब तुम फर्स्ट एड को यूज करके और उसको एनोटेट कर सकते हो नो डाउट अबाउट आर बट अपने एक्चुअल फर्स्ट ईयर में आई एम नॉट श्योर कितनी हो यूजफुल होगी uh, हो yes, फार्मा के लिए यूजफुल हो सकती है आई थिंक आई कैन से दैट क्योंकि फार्मा ना बहुत ही कन्साइज एंड प्रिसाइज बहुत ही अच्छे से दी हुई है एंड टू अडेक्सन बाय केमिमस्ट्री के लिए भी यूजफुल हो सकती है यस आई विल डेफिनेटली नॉट डिनाइड बायो केमिस्ट्री एंड फार्मा के लिए यूजफुल हो सकती है आई एम नॉट टू श्योर कि एक्जैक्टली कितनी यूजफुल होगी आई विल स्टिल कमेंट अपन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को पढ़ो कि तुम्हें फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं अभी उनको तुम अपना फोकस स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने में लगाओ अगर कुछ कंसेप्चुअल वीडियो देखनी है तो पथुमा वीडियोज हैं कैपलन वीडियोज हैं लाइक दैट वो उनके लाइक्स हैं उनको देख सकते हो फर्स्ट एड या तो फोर्थ ईयर में जब फिर से इनको रिवाइज करने लगोगे तब एनोटेट करना या फिर इंटर्नशिप अभी कोई इंटर्न है या पोस्ट इंटर्न है तो उसको ऐसे एनोटेट करनी चाहिए फर्स्ट एड सो दिस इज द वे यू विल एनोटेट फर्स्ट एड दिस इज द वे हाउ यूल डू योर रिविजन थ्री रिविजन बिफोर द एग्जाम एंड गेट क्रैकिंग थैंक यू एंड आई है